हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आगरा चौपाटी, जो कि आगरा में ही है। एंड गाइस, ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी आगरा चौपाटी, दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी जौनल पार्क। गाइस, ये वाला रास्ता जो है जौनल पार्क का, इसी के आगे ही है आगरा चौपाटी, तो दिखने में कुछ ऐसा है। एंड गाइस, चलिए अब अंदर चलते हैं। गाइस, आपको ये सामने टिकट काउंटर दिख रहा है, दो टिकट काउंटर है। एंड गाइस, हम लोग टिकट परचेस कर लेते हैं, तो टिकट की जो प्राइस है तो वो 20 रुपीज़ है पर पर्सन। सो गाइस, हम दो ही लोग थे तो हमें टिकट मिल गई है। अब हम अंदर जा रही हैं। टिकट चेक होने के बाद अंदर से कुछ ऐसा व्यू है आगरा चौपाटी का। ये प्लेस बहुत फेमस है, बहुत सुनने में आ रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी यहाँ पर घूम कर आ जाती हूँ। एंड गाइस, ये हूँ मैं। गाइस, आगरा चौपाटी एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत शांत जगह भी है। यहाँ पर डीजे वीजे सब कुछ लगा है, आप डांस भी कर सकते हैं। एंड गाइस, इसका जो पूरा फुल एड्रेस है तो वो है, मैंने यहाँ नीचे मेंशन कर दिया है। और सीधे सीधे बताऊँ आपको, तो मैंने एक मोर मॉल टूर की वीडियो बनाई थी, तो उससे जब हम बैक चलेंगे, फिर बैक चलने के बाद जब हम लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हमें जौनल पार्क मिल जाएगा। फिर सीधे सीधे चलते जाइए तो आपको आगरा चौपाटी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। गाइस, ये है आगरा चौपाटी, ये बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा है। एंड गाइस, ये मैं हूँ, मैं यहाँ पर फोटो खिंचा रही थी। ओके, सो गाइस, अब हम अंदर जा रहे हैं खाने पीने की स्टॉल्स देखने के लिए, तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस, ये वो जगह है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ सफाई बहुत ज़्यादा है, आपको कहीं पर भी गंदगी या मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी। एंड गाइस, ये है स्टॉल्स, यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स हैं और कुछ स्टॉल्स बंद भी हैं। गाइस, ये वॉशरूम एरिया है, यहाँ के वॉशरूम्स भी बहुत क्लीन हैं। एंड गाइस, ये सिटिंग एरिया है। यहाँ पर डस्टबिन्स भी बिल्कुल प्रॉपर कवर है, ये नहीं कि कोई डस्टबिन खुला ही है वो है तो स्मेल हो रही है, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ साफ़ सफाई भी बहुत है और ये टूरिस्ट पैलेस भी आप कह सकते हैं। घूमने के हिसाब से अगर आप हॉलीडेज़ पर कहीं घूमना चाहते हैं तो आप मॉन्यूमेंट्स वगैरह तो घूमते ही हैं, साथ के साथ अब ज़रा एक बार यहाँ ज़रूर आ जाइएगा। कुछ दुकानें बंद भी हैं। एंड गाइस, आपने जो रील्स में देखी है ना, पोटैटो को ऐसे थोड़ा लंबा सा कर लेते हैं, वो भी है यहाँ पे, अतरंगी चीज़ है। गाइस, आप सबको पता तो होगा, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देती हूँ, आगरा अपने पेठे के लिए बहुत फेमस है। आगरा का पेठा सबसे ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर वो भी मिलता है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
वैसे सबने तो ट्राई किया ही होगा। गाइस मैं दिल्ली से आई थी यहाँ आगरा घूमने, तो क्योंकि ये जगह बहुत सुनने में आ रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ घूम ही लेती हूँ। भाई गाइस इतनी सारी स्टोर्स है अभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। गाइस जो मैंने आपको दिखाया था वो वॉशरूम एरिया था, ये हैंड वॉश एरिया है। मतलब आप देख सकते हैं इतनी सारी स्टॉल्स से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। गाइस जो मैंने आपको सिटिंग एरिया दिखाया था वो तो है ही, साथ के साथ यहाँ पर भी एक सिटिंग एरिया और है। ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पर भी एक सिटिंग एरिया और है, अंदर से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। गाइस इतनी सारी स्टॉल्स थी तो इतने सारे मेन्यूज़ की फ़ोटो लेना इम्पॉसिबल था, तो इसलिए मैंने कुछ मेन्यू की फ़ोटो ली ताकि आपको प्राइसेस का आइडिया लग जाए कि कितने के प्राइसेस के आपको यहाँ पर खाना मिल जाएगा। अबू ज़्यादा मिर्च, अबू ज़्यादा मिर्च, बूम बूम।